गोपी तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। अरे एम दिख रहा, आप अपने पापा जी का चोला उतारिए और मैदान में उतरिए, ये मांझा पकड़िए। जी अभी आया। लाइए पापा, मुझे दीजिए। पापा? हाँ बेटा, आज तो हम ही जीतेंगे। नो चांस दिकरा। सविता का परिवार नहीं दिखाई देता। वाह, वो लोग मकर संक्रांति के लिए अहमदाबाद गए हैं। पापा पर ढीलो ढीलो। वाह, पूरे परिवार को एक साथ त्योहार मनाते हुए देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। ये सब कृष्ण भगवान की असीम कृपा है हमारे परिवार पर, और इस पूरे परिवार को एक ही इंसान जोड़े रखता है, वो तुम हो कोकिला। तू तो पहले से ही इतना ध्यान रखती है कि किसी से भी कोई गलती हो ना पाए। हाँ बा, सच कहूं तो पूरी ईमानदारी से मेरा यही प्रयत्न रहता है, पर इसके साथ साथ मैं ये बात भी समझती हूँ कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य से ही गलतियां होती हैं। मुझसे भी गलतियां हुई होगी। नहीं माँ जी, अब कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती। कागड़ी तो अपनी गलती पहले से ही मान रही है। मैं पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई। अरे चलिए ना भाई, मुझे आज उस फाल्गुनी से खुलकर बात करनी है। अरे छोड़ने, ये सब हम बाद में निपटा लेंगे। नहीं भाई, जो भी हो, लेकिन मुझे उस फाल्गुनी से आज बात करनी है और अभी। अरे पर तू जाके उससे बात क्या करेगी, वो तो फक्त दिल के लड्डू लेकर आई थी। तो क्या हुआ, मैं उसके ओनर से कहूंगी कि उसे इस रूम से निकाल दे। मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए वही महसूस करते हैं जो मैं उनके लिए महसूस करती हूँ। मैंने खुद उनकी आंखों में देखा है, और वैसे भी उन्हें मेरे हाथ के बनाए तिल के लड्डू कितने पसंद आए थे। तो मुझे लगता है कि धवल जी भी मुझसे प्यार करने लगे, जैसे मैं उनसे करने लगी हूँ। ठीक वैसे ही गलत समझ रही है। मैं उनके बारे में नहीं, मैं तो ज्यादा नौटंकी नहीं छोकरी। हमने अपने कानों से धवल का नाम सुना है। नहीं तो एक मिनट, मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि तुमने, आइंदा से उन पे डोरे मत डालना, समझी तुम? अच्छा तो आप दोनों सब कुछ सुन चुके हैं, तो ठीक है, आप दोनों सब कुछ सुन ही चुके हैं तो मैं क्या बोलूं। वैसे किंजल, तुम्हें इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है? तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो और तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? छोड़ना किंजल, तू भी किसके मुंह लग रही है? एक नहीं, न जाने कितने मर्दों के साथ आंख मटक का किया होगा। फाई जो भी हो, पर धवल जी मेरे पति है, समझी तुम? पति? किंजल अपना ये मजाक बंद करो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे और धवल जी के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। वैसे भी तुम तो धवल जी को दो कौड़ी का मानती हो ना, फिर तुम्हें इस बात से इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे धवल जी ना मेरे साथ बहुत खुश रहे। ए छोकरी, ऐसा सोचना भी मत। और फाल्गुनी, मेरे और धवल जी के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। और अगर कोशिश की तो? मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं, और तुम्हें और इस दोषी को तो मैं देख ही लूंगी। तुम दोनों
मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। आउट। एक बात तो इस छोकरी ने बराबर कही, तेरा और धवल का रिश्ता ही क्या। राशि दिक्रा बोल। मम्मी अब कहाँ है, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे कुछ नहीं, मैं उस छोटी काकड़ी के साथ फंस गई थी। तुझे यकीन नहीं होगा दिकरा, आज फाल्गुनी के खिलाफ हमें बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। मम्मी देखो, मैंने काकड़ी की लिखावट और उस लेटर की लिखावट मैच करके देखी है और वो मैच हो रही है। वही लेटर जो उस दिन हमें आदमी के घर से मिला था। सच्चे? हाँ हाँ मम्मी, 100% श्योर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी उतर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आई। किंजल, किंजल दिख रहा, अब उदास नहीं होते। हम मोदी भवन जाके उत्तरायण मनाते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। जल्दी तैयार हो जा, जाना जा, तैयार हो जा। एने पन तो खबर पड़े कि इसकी माँ कितनी गिरी हुई औरत है। बेचारे मारे भतरीजा बहु, एक दिन में दो बड़े बड़े चटके।